हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिपल इंटीग्रेशन से एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं जो ड्रिचलेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने अपने पिछले वीडियो में ड्रिचलेट इंटीग्रेशन की थ्योरम को प्रूफ किया था और इस वीडियो के अंदर आज हम उसी थ्योरम को यूज करते हुए ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और सीधे चलते अपने एग्जाम्पल की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन से हमने ये एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया है जिसे हम ड्रिचलेट इंटीग्रेशन वाली जो थ्योरम है उससे सॉल्व करने को देखेंगे। उस थ्योरम को हमने अपने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। आज उसको यूज करते हुए हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जांपल को। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमको कंडीशन दे रखी है एक्स अपॉन ए की होल पावर पी प्लस वाई अपॉन बी की होल पावर क्यू और प्लस जेड अपॉन सी की होल पावर आर लेस देन और इक्वल वन को ड्रिचलेट इंटीग्रेशन की जो कंडीशन है उस कंडीशन में लाएंगे। उसके लिए हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यू वी डब्ल्यू हम यहां पर इसको मान सकते हैं। तो मान लिया कि एक्स अपॉन ए की पावर पी इक्वल टू यू, ये मान लिया हमने। और वाई अपॉन बी की पावर क्यू इक्वल टू हम वी मान सकते हैं। और जो तीसरी टर्म है जेड अपॉन सी की पावर आर, इसको हम डब्ल्यू मान लेंगे। और यहां पर डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू अब हम यहां पर निकालेंगे। तो उसके लिए हमें इसका अपकलन करना पड़ेगा। तो अपकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक्स अपॉन ए की पावर पी है तो पी को हम यू की तरफ ले आएंगे, तो यहां पर वन अपॉन पी हो जाएगा। ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में केवल एक्स रह जाएगा। तो x रहने से x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dx हो जाएगा। a को हमने गुणा कर दिया और u की पावर 1 अपॉन p का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, u की पावर 1 अपॉन p का, देखिए u की पावर 1 अपॉन p का, तो x की पावर n वाले सूत्र से करेंगे तो 1 अपॉन p आगे आ जाएगा और u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1 और du हो जाएगा। तो ये डी एक्स अपॉन ए की पावर पी इक्वल टू यू से डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। इसी प्रकार डी वाई और डी जेड की वैल्यू भी अब हम निकालेंगे। तो देखिए डी वाई की जो वैल्यू होगी वो इसी आधार पर लिख सकते हैं, ए की जगह पर बी हो जाएगा, वन अपॉन पी की जगह पर वन अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। और वी की पावर वन अपॉन क्यू माइनस का वन और डी वी हो जाएगा। और इसी तरीके से अब हम dz का भी मान रख सकते हैं, तो dz बराबर हो जाएगा c 1 अपॉन r w की पावर 1 अपॉन r माइनस 1 और dw। तो ये हमारे पास dx dy और dz तीनों की जो टर्म है वो आ गई dx dy dz की। और इन मानों को अब हम रखेंगे जो इंटीग्रेशन हमको दे रखा है उसके अंदर। उससे पहले इंटीग्रेशन में हम देख रहे हैं कि x, y और z भी आ रहा है, तो जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है वहां से x, y, z की वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए x अपॉन a जो यहाँ पर आ रहा है x अपॉन a की पावर p इक्वल टू u, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें p को इधर लाना पड़ेगा राइट साइड में, तो u की पावर 1 अपॉन p हो जाएगी और a का गुणा कर देंगे तो वो x की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, u की पावर 1 अपॉन p और a का मल्टीप्लाई। देखिए x बराबर a का गुणा हो जाएगा और u की पावर 1 अपॉन p। इसी तरीके से y बराबर हो जाएगा b का गुणा होगा और v की पावर 1 अपॉन q हो जाएगी। और इसी तरीके से z का मान आएगा c का गुणा होकर के w की पावर 1 अपॉन r हो जाएगी। अब इनको हम मानों को रख देते हैं इंटीग्रेशन में, रख जो दे रखा है उसके अंदर मान रखने पर। तो देखिए
तीनों इंटीग्रेशन आ गए, x की जगह पर हम लिख रहे हैं a u की पावर 1 अपॉन p, और जो इंटीग्रेशन हमको दिया है उसमें x की पावर l माइनस 1 है वो आ गई। इसी तरीके से अब y का मान रख देंगे b, v की पावर 1 अपॉन q, और y के अंदर जो पावर है वो m माइनस 1 है। इसी तरीके से c की वैल्यू लिख देंगे z की, c w की पावर 1 अपॉन r, और यहां पर उसकी पावर है n माइनस 1। फिर dx dy और dz की वैल्यू हमको इसके अंदर रखनी है, तो dx की जो वैल्यू है वो है a अपॉन p, a अपॉन p u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1, और du आएगा। इसी तरीके से फिर dz की वैल्यू लिखेंगे हम, तो b अपॉन q, v की पावर 1 अपॉन q माइनस 1, और फिर आ जाएगा c अपॉन r, w की पावर 1 अपॉन r माइनस का 1, और साथ में आएगा du, dv और dw। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इन सभी पदों को हम मिला लेते हैं। सबसे पहले a वाली टर्म देखो, a कितने हो रहे हैं, तो यहां पर देखिए a की पावर l माइनस 1 है, इसके अलावा a की पावर 1 है यहां पर, है ना, यहां पर a की पावर 1 है और इसमें a की पावर l माइनस 1 है, तो a की पावर l रह गई। इसी तरीके से b की पावर m रह जाएगी और c की पावर n रह जाएगी। तो ये हो गया a की पावर l, b की पावर m और c की पावर n, तीन टर्म तो ये आ गई। अब इसके बाद कांस्टेंट के रूप में रह गया पी क्यू आर, तो देखिए यहां पर p आ रहा है, q आ रहा है और r भी आ रहा है, तो पी क्यू आर को भी हम बाहर ले लेंगे यहां से कांस्टेंट के रूप में। तो ये पी क्यू आर कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया, तीनों इंटीग्रेशन ले लिए। अब u v w की टर्म संभाल लेते हैं कि वो कितनी है। देखिए यहां पर u की पावर है 1 अपॉन p अंदर, l माइनस 1 बाहर, तो इसका मतलब u की पावर है l माइनस 1 अपॉन p। इसके अलावा और u की पावर यहां पर आ रही है, u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1, तो आधार समान होने की वजह से घातें जुड़ेगी, तो 1 अपॉन p माइनस 1 ये और आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस 1। तो देखिए 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन p और प्लस का 1 अपॉन p कट जाएगा और l अपॉन p माइनस का 1 रह जाएगा, तो u की पावर l अपॉन p माइनस की 1 ये रह जाएगी। तो इसी के आधार पर फिर हम y और z की घातों को भी लिख पाएंगे। तो अभी अपने पास u की पावर कितनी बच गई, l अपॉन p माइनस 1। इसी तरीके से v की पावर बच जाएगी m अपॉन q माइनस 1। इसी तरीके से w की पावर बच जाएगी n अपॉन r माइनस 1। तो इसी आधार पर तीनों की घातें बच गई और du, dv और dw आ जाएगा। तो ये हो गया du, dv और dw। अब यहां पर हम डिरिचलेट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं और उससे पता लग जाएगा कि क्या करना है इसका आगे। डिरिचलेट समाकलन, तो डिरिचलेट समाकलन से क्या होगा, वो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, x की पावर l माइनस 1, y की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन में l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये डिरिचलेट समाकलन है। इस समाकलन को अब हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। देखिए तुलना अगर हम करते हैं तो एल एम एन की वैल्यू पता करनी है, तो एल की वैल्यू एल अपॉन पी है, एम की वैल्यू एम अपॉन क्यू है और एन की वैल्यू एन अपॉन आर है, तो ये इसके अंदर हम मान रख देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल इजीली आ जाएगा। जो कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर था वो तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। कांस्टेंट के रूप में हमारे पास बाहर क्या है, ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एन अपॉन पी क्यू आर। तो ये हो गया ए की पावर एल,
बी की पावर एम सी की पावर एन अपॉन पी क्यू आर। गामा एल, एल का मान है हमारे पास एल अपॉन पी। फिर गामा एम, एम का मान है एम अपॉन क्यू और एन की वैल्यू है एन अपॉन आर। तो गामा एल एम एन हो गया, ये अपॉन में एल प्लस एम प्लस एन बटे प्लस वन होता है तो इन सबको जोड़ देना है। तो एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू प्लस एन अपॉन आर और प्लस वन। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा जो हमको प्रश्न में दिया हुआ था। तो ड्रिचलेट इंटीग्रेशन की सहायता से हम किसी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन को अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको यूज कर सकते हैं और आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और प्रश्न समझ में आ गया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके सीख सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।